आज के वीडियो में भाई सिर्फ आज खींच का काम होगा, यानी खींच का काम कैसे करते हैं और खींच सीखते कैसे, उसकी प्रेस्टी क्या होती है, इसके बारे में आज का वीडियो है। तो मैं गोविंद कुमार और आपसे का मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ अपने चैनल ताज गेम 99। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिसने भी अभी तक नहीं किया है। तो चलिए मैं डायरेक्ट टाइम को ऐसे नहीं बर्बाद करेंगे भाई, आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो चलिए यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम को वेस्ट किए। तो यहाँ से देखिए मैंने काट को कटिंग किया, सारे चीज़ आपको आज फटाफट मिलने वाली, उसके बाद मैं आपको इसका ट्यूटोरियल भी लेके आने वाला हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अब मैं चलता हूँ दूसरे कटिंग में। एक काट ऐसे निकाला, एक इसको ऊपर, इसको नीचे, ठीक है? और यहाँ से काट को इस टाइप के, आज मैं आपको दूसरे खींच के काम आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ। क्या काटा वो भी देख लो, अभी आया नहीं था, क्योंकि आपको पता है मेरा सारा कार्ड मार्किंग का होता है, मुझे पता चल जाता है कौन सा कार्ड कटा है, ठीक है? ये हो गया, अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक नंबर, यहाँ से कार्ड को ऐसे पकड़ा और यहाँ से कार्ड ऐसे अंदर, देखिए कितनी अच्छी तरीके से अंदर हो गया। एक और मैं आपको अंदर करके दिखा देता हूँ, जो भी कटेगा आपको तीन कार्ड दो कार्ड सारे कार्ड आपको अंदर करके दिखाऊंगा। तो आप खींच कैसे भी कर सकते हो, आपके हाथ में है, ठीक है? अभी जैसे यहाँ पे देखिए मैं एक दूसरी खींच करता हूँ, कार्ड ऐसे पकड़ा, ठीक है? और यहाँ से कार्ड ऐसे चलाऊँगा मैं, देखिए देखिए यहाँ से चला, यहाँ से अंदर, ये होती है दूसरी खींच। तो खींच कई तरह की होती है, बस आपको प्रेस्टी करने की ज़रूरत होती है कि आप उसकी प्रेस्टी कैसे कर सकते हैं। तो प्रेस्टी के लिए देखिए सबसे पहले आपको हमेशा मॉर्निंग टाइम में इसकी प्रेस्टी करनी है। और जैसे आपने गेम में क्या होता है, आप गेम में जाते हो तो आप कार्ड ऐसे फेंकते हो एक एक कार्ड, ठीक है? ऐसे फेंकते हो ना आप एक एक कार्ड, ओके? देखिए गुलाम अंदर, गुलाम बाहर, फिर गुलाम बाहर और उसके बाद बेगम अंदर, ठीक है? ये होता है खींच का काम का ट्रिक। अभी खींच सीखना कैसे इसको, इसकी प्रेस्टी क्या होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए गेम में आप क्या करते थे, एक एक कार्ड ऐसे निकालते थे, यहाँ से भी एक कार्ड निकलता था, देखिए यहाँ पे देखिए एक कार्ड आपका ऐसे चलता था, ठीक है? एक कार्ड चलता था, लेकिन अभी आपको क्या करना, वही चीज़ें आपको थोड़ी सी पकड़ चेंज कर देनी, जो आप ऐसे पकड़ते थे अब वो चीज़ आपको ये ऐसे पकड़ना, देखिए ऐसे पकड़ना। और जो यहाँ से खिसका रहे थे कार्ड ऐसे, ठीक है? यहाँ से ना खिसका के यहाँ से खिसकाइए साइड से, देखिए जब साइड से खिसकाना चालू करेंगे तो देखिए आपका दो कार्ड हमेशा निकलेगा, देख रहे हैं? देख रहे हैं दो कार्ड निकल रहा, क्यों? क्योंकि आपको फिर चमक में भी आप इसका काम कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कार्डें दिख जाएगी, ठीक है? तो जैसे सपोज करोगे आपको पाँच नंबर मारना, क्या करोगे? बस सीधा यहाँ कार्ड लाया था, इसको मैंने बैक किया है, फिर इसको नौ नंबर बाहर और पाँच नंबर को अंदर। देखिए जैसे बड़ी पत्ती को रखता हूँ मैं, कि बेगम के ऊपर रखा है, ठीक है? ये आपकी बेगम देखिए बाहर जा रही है, ठीक? अभी बाहर जाए मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्लाइड किया, बैक किया, इसको अंदर ले लिया, इस टाइप का होता है खींच। अभी उसके लिए क्या करना है, देखिए कार्ड लिया ऐसे घर पे डेली, क्या करना आपको, पहले तो इधर का नहीं फेंकना, ऐसे पलट के नहीं फेंकना, पहले आपको सीधा इसके ऐसे प्रेस्टिक करनी, देखिए एक कार्ड ऐसे खिसकाना है, ऐसा करना है कि आपको दो तीन कार्ड ऐसे निकलता जाए, देखिए धीरे धीरे आप इसकी प्रेस्टिक करेंगे ऐसे तो आपका कार्ड निकलना चालू हो जाए। जब आपका वो लगे कि आपका हमेशा बस दो कार्ड ऐसे, एक कार्ड निकल रहा है, एक चल रहा है, फिर एक निकल रहा है, एक चल रहा है, एक निकल रहा है, एक चल रहा है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से फिर ऐसे बैक मारना, देखिए बैक मारोगे, फिर दो चलाया बैक मारा, ठीक है? फिर इसको निकाला, फिर दो चलाया बैक मारा, फिर इसको निकाला, दो चलाया बैक मारा, फिर ऐसे निकाला बैक, फिर दो चलाया बैक, ऐसे ही आपको हर बार पे मतलब ऐसे दो चलाया एक बैक कर लो, मतलब अंगूठे को ना जब ऐसे बैक करोगे तो ये जो दो उंगली है ना इसको दाब के रखेगी नीचे वाले को, तो नीचे वाला बैक नहीं होगा, वो आपका यहाँ से इजीली जो है देखिए आ जाएगा, देख रहे हैं? बिल्कुल ईजी है, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, तो आपको ईजिली जो है आप आराम से यहाँ से कार्ड को निकाल सकते हैं। अभी चलिए दूसरे में चलते हैं, क्या करना है इसमें आपको मैं वो बता देता हूँ, फिर से देख लो। अब जैसे इसको आपको कम से कम डेली एक हफ्ते करने हैं, जब आपका ये चीज़ चालू हो जाए, मतलब दो दो कार्ड आप निकाल बैक कर रहे हो, फिर दो कार्ड निकाल फिर बैक कर रहे हो, ठीक है? फिर दो कार्ड निकाल बैक कर रहे हो, दो कार्ड निकाल बैक कर रहे हो, अब इसके बाद क्या करना आपको वो मैं बताता हूँ। एक बार थोड़ा सा मिक्स कर लूँ क्योंकि कार्ड जो है डबल हो जाते हैं, ठीक है? और इसमें आपको एक पे एक फर्री मारना बहुत ज़रूरी, नहीं तो डबल पत्ती आ जाती है तो आपका कार्ड जो है चेंज हो जाता है। अब सपोज करो जब आपको ऐसे करना आ गया ना, तो उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे फेंकना है, ठीक है? एक कार्ड निकाला फेंका, दूसरा निकाला फेंका, फिर तीसरा ऐसे खींच कर लिया,
फिर निकाला खींच कर लिया, फिर निकाला ऐसे खींच कर लिया, फिर निकाला खींच किया, फिर ऐसे निकाला खींच, मतलब आपको हर दो कार तीन कार बाहर फेंक के आपको ऐसे खींच करना है, ठीक है। देखिए एक दो तीन चौथा खींच, एक दो तीन चौथा खींच, एक दो तीन चौथा खींच, ऐसे आपको इसकी प्रेष्टि करनी है। अभी फिर से देख लो आप। अब इसके बाद इसकी प्रेष्टि आपको मैक्सिमम एक वीक फिर करनी है, तो इसमें क्या फिर आपको इसकी स्पीड बढ़ानी है। जैसे देखिए तीन नंबर, फिर आपको ऐसे प्रेष्टि करनी, तीन नंबर पे कार्ड रखा तो क्या करना, आपको कार्ड को ऐसे दो फेंका, फिर इसको खिसकाया, यहाँ से ऐसे मार दिया, ठीक है। फिर आपको ऐसे रख दे, तीन तीन पत्ती फिर रखनी है, तीन पे क्या है आठ नंबर, तो आठ नंबर को अभी अंदर करना है, तो क्या करेंगे सीधा ऐसे कार्ड को खिसकाया दो, बैक किया, अंदर कर दिया, फिर ऐसे दो कार्ड खिसकाया, बैक किया, अंदर किया, फिर ऐसे दो कार्ड निकाला, बैक किया, अंदर किया, फिर दो कार्ड ऐसे निकाला, बैक किया, देखिए अंदर बाहर फिर बाहर अंदर, यानी बाहर अंदर, यहाँ से बाहर अंदर, 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 यानी कि ये चीज़ जो है मैक्सिमम मतलब थोड़े पे ही आपकी ऐसे तुरंत बैक हो जानी चाहिए फटाक से ऐसे, देखिए यहाँ से, तब जाके आपका कुछ मूवमेंट इसमें सही होगा, ठीक है। तो फिर अब जब सपोज करोगे आपका ऐसे आ गया तीन तीन पे, तो क्या करना आपको, फिर नॉर्मली आपको ऐसे एक अपने हिसाब से काट काट लेनी है, फिर आपको अगर मार्किंग पे देखना है, चमक पे देखिए, चमक पे देखना तो आपको ऐसे नीचे दिखेगा, मार्किंग में देखना तो आप जहाँ मार्किंग लगाओ ऐसे दिखेगा। अभी सपोज करो ऐसे चलते रहना, ठीक है, ऐसे चलते रहना, जब आपका आठ नंबर आएगा, लेकिन अब कब आएगा आठ नंबर, जब आप ऐसे दो पत्ती चलाओगे ना, तो ऐसे फेंकते रहोगे एक पे एक, आपको ऐसे दिखेगा, जब आपका आठ नंबर देखिए आ गया, तो यहाँ से बस बैक करके इसको अंदर कर लेना, ठीक है। ये होता है कटिंग का काम, खींच का काम। अभी दूसरा, अभी जैसे उसमें कोई बोलते हैं मांग पत्ता, ठीक है, मांग पत्ता, मांग पत्ता यानी कि चलो भाई गुल्ला, गुल्ला पे करना है, काट कटिंग कर दिए, ठीक है, काट कटिंग हो गई, अब आपको ऐसे चलाना है, देखिए ठीक है, दो दो कार्ड ऐसे आपको चलाना है, और आपको गुलाम यहाँ पे देखना है कि आपका गुलाम की मार्किंग कहाँ पे आ रही है, ठीक है, एक अंदर एक बाहर देखो, फिर एक अंदर एक बाहर देखो, फिर बाहर एक अंदर देखो, ऐसे आपको देखते रहना है। फिर गुलाम ये आ गया, देखिए ये गुलाम है, क्या करना था ऐसे ही था, बस इसको तुरंत ऐसे बैक करके मार देना था, ये होता है खींच का काम मांग पत्ती पे, ठीक है। अब आगे घटती बढ़ती, मान लो बोल दिए, जैसे बोल दिए गुलाम कटा मुझे बेगम चाहिए, बेगम पे, तो क्या करना आपको, बस कार्ड ऐसे चलाते रहना है, चलाते रहना है, हाथ देखते रहो मेरा, बस उंगली कार्ड ऐसे चलाते रहना है, देखिए बेगम आ गया। अब यही बेगम सपोज करो बाहर जा रहा है, ठीक है, अभी सपोज करो बाहर जा रहा है, कार्ड को ऐसे पकड़ा है, दो कार्ड ऐसे खिसकाया, तो देखिए कैसे अंदर आया, बस यहाँ से सीधा इसको बैक लूँगा, इसको मैं बाहर करके इसको अंदर कर दूँगा, देखिए ये दो कार्ड निकलती है, ये बैक होता है तो ये अंदर होता है, ठीक है, देखिए यहाँ दो कार्ड निकला ऐसे, इसको मैंने देखिए यहाँ से बैक किया, फिर इसको ऐसे कर दिया, यानी देखिए दो कार्ड निकला ना, अब देखिए बैक हो रहा है, ठीक है, देख रहे हैं, ये चीज़ आएगी हाथ में और ये बाहर चला गया, ये होता है खींच का काम। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसकी आपको देखिए बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम डेली आप अगर एक घंटे भी प्रेष्टि करते हैं, देखिए एक कहावत है ना, आप जितना मेहनत करोगे उस हिसाब से आपको फल मिलती है, सफलता मिलती है, तो आपके हाथ में अगर आप डेली 10 मिनट करते हो, तो फिर 10 मिनट में का ही होने वाला है भैया, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप देखिए ये खींच तैयार कर लोगे, तब मैं आपको इस टाइप का खींच बताऊँगा, जैसे यहाँ पर जैसे तीन नंबर है, ठीक है, तीन नंबर में मक्का कार्ड को ऐसे मतलब फेंकता रहता हूँ, देखिए देख रहे हैं, यहाँ से तीन नंबर निकाला मैंने, यहाँ से कार्ड को ऐसे फेंकना चालू किया, ये देखिए देख रहे हैं, यहाँ से मतलब इतना इजीली कार्ड निकलेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, देखिए कितने इजी तरीके से निकलना, इसका भी मैं आपको खींच बहुत ही जल्द बता दूंगा, तो आप जब उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, क्योंकि वन बाई वन चलोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा होगा, और बाकी मैं चलिए उसी जो मैंने खींच बताया, और ये खींचे हैं देखिए, एक दो तीन, ठीक है, चार, चलिए तीन नंबर पे देखिए गुलाम है, ये देख रहे हैं तीन नंबर पे गुलाम है, देखिए नया खींच क्या है, मैं क्या करूँगा, मैं सीधा कार्ड को ऐसे चलाऊँगा, ठीक है, और यहाँ से ऐसे अंदर करूँगा, देख रहे हैं कितना ईजी है, फिर से देख लो तीन नंबर पे गुलाम, क्या किया मैंने, सीधा कार्ड को ऐसे चलाया, ठीक, और यहाँ से ऐसे इसको बैक कर दिया, कितना इजी, मतलब यहाँ से बस सीधा ऐसे निकाला, यहाँ से ऐसे इजीली कार्ड जो है आराम का ऐसे आपका आराम से ऐसे यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, इसकी भी आपको प्रेष्टि करनी पड़ती है, ठीक, ये अभी नया खींचे, इसको मैं अभी ज़्यादा वायरल नहीं करूँगा, क्योंकि अभी इसको टाइम लगेगा इसमें, और मेरे पास बहुत ऐसे कई ट्रिक है,
जो कि बिना देखे भी पता चल सकता है, मतलब बिना खींच का भी आप कर सकते हो काम। वो भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, देखिए क्या होता है उसमें, वो मैं आपको दिखाना हूँ। जैसे काट पीस होगी, फर्री होगी, अभी क्या करना, जैसे काट कटिंग हुआ एक का, तो अभी मुझे पता नहीं है, ठीक है, एक का कहाँ पे अंदर हो गया। अभी देखिए पान का जो पान की जो पत्ती होगी ना, अंदर ही आएगी, देखना अभी पहले, देखिए आई अंदर। ये भी एक ट्रिक है, इसका मैंने वीडियो बनाया था लेकिन वो ज़्यादा लोग नहीं देखे, मैं फिर से इसके बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।